उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि। विद्या को लुप्त रखा तो ये जागर गायन में अपना करते थे। उसके बाद इनने इतिहास को इनको लेखककारों को नहीं बताया। जैसे उसने मेरी कहानी गलत लग रही है ना, आप ये लेख को छोड़ देना, उत्तराखंड को जागर लगाने आते हैं आप उनसे पूछना, ये जो मैंने कहानी बता रखी है आपको ये सटीक पूरी एक लाइन से यही आएगी। इंद्रपाल एक राजा थे बहुत पहले। इंद्रपाल राजा तुम लेकर दियो रानी बाग उजागर, आज ले लागी छुआ तुमरे नाम की जागर। जय हो। मैं इसमें जो अपने इतिहास को उजागर कर रहा हूँ और जो ये कथाएं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सत्य घटना से आधारित है। हाँ मैं लुकाया है लिए उनरा झमेलाया बिहार रही गोसा कठै दामा कठै बामा कठै भीमा पामा रुद्री हमातली पथत त्यारी कठै गोसिंदी जियाले गुछन लगायो हो भुमाई धारम मतरब निंगलाठो गोस हो निंगलाठ राजा धाम शिकाशी ने क्योंकि उसने उस सौरव ने वो उस खाली टुकड़ खा दी। हाँ बाजार में गए उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और जो मैं आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो चित्रेश्वर महादेव की कहानी है। तो मैं कहानी पर आगे बढ़ने से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ हमेशा की तरह। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध समा। गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करें, चित्रेश्वर महादेव का ध्यान करें, चित्रेश्वर महादेव का ध्यान करें। जय हो चित्रेश्वर महादेव। सदा रक्षा करना सभी देवी देवताओं को, सदा सादर हमारा प्रणाम है। मैं इसके बाद कथा में आता हूँ। सभी माताओं को और सभी देवी देवताओं को, नौ नाथ सिद्धों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और मार्कंडेय ऋषि जी के चरणों पर मैं जा रहा हूँ तो उनको मेरा सादर कोटि कोटि सादर नमन है। आज भी बोला जाता है मार्कंडेय ऋषि अजय अमर हैं और युग युगों तक बोला जाता है। उत्तराखंड में अपना वो दर्शन कभी बोला जाता है, कभी कभार किसी को दर्शन देते हैं मार्कंडेय ऋषि जी। बारानी बाग से ऊपर कोई एक जगह है गुप्त शेर, वहाँ पर वो देते हैं दर्शन। ठीक है तो दोस्तों मैं कथा पर आता हूँ। अब दोस्तों मैंने जो आप मेरा पार्ट 4 देखोगे कतरू का, तो मैंने उसमें यहाँ तक पहुँचा दिया था कि माता जिया माता की डोली उठा के सात भाई पठार कहाँ को लग जाते हैं रास्ता, चित्रशिला को, चित्रेश्वर महादेव को रास्ता लग देते हैं। जब चित्रेश्वर महादेव को जब रास्ता लग देते हैं तो मैं चित्रेश्वर महादेव कोई ऐसा नहीं कि इन मतलब कतरू के आने से उसका नाम वहाँ चित्रेश्वर महादेव पड़ा, इसके प्रमाण सत्युग से पहले से ही मिलते हैं चित्रेश्वर महादेव के। अब मैं आप लोगों को देखो मत मतांतर इतना है बहुत ज़्यादा मत मतांतर है कि अगर देखो आप अगर पुस्तकें उठा के अगर ये देख लोगे ना दोस्तों कि कौन सी पुस्तक में क्या है, कौन सी पुस्तक में क्या है, मतलब हमारे जो जितने ग्रंथ और जितने धर्म हमारे जो हैं दोस्तों, मतांतर इतना है कि दोस्तों जैसे आप किसी को भी अगर पढ़ लोगे, जैसे अभी चित्रेश्वर महादेव की मैंने किताब पढ़ी थी इसमें ही मतलब बहुत सारे उल्लेख ऐसे हैं, मैं आपको मतलब दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर कि आप देख के हैरान हो जाओगे दोस्तों। तो मैंने कहा क्यों ना यार इस पर बनाई जाए वीडियो, आप लोगों को तो अपने दोस्त लोगों से साझा करी जाए कि कतरू के इतिहास को ना दोस्तों जिसका मन जैसा आया और जिसने मतलब जिस किसी ने चाहे जैसे भी करा मतलब उसको अपने हिसाब से पेश करने लग गया कतरू का इतिहास। किसी ने बोला, किसी ने काल्पनिक तरीके से उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होगा, किसी ने अपने मन से बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा, तो जिसके मन में जैसा आया उसने वो रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, जो मैं आप लोगों को जो इतिहास बता रहा हूँ ये हमारे उत्तराखंड की जागर पद्धति
और शैली के आधार पर बता रहा हूँ, जो हमारे उत्तराखंड के गायनों में और जो हमारे गुरु, देखो दोस्तों अगर ये पीढ़ी भी, अगर ये गुरु भी हमारे जैसे ये पीढ़ी भी अगर निपटती है, हम लोग भी निपट जाते हैं, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को तो समझेगी नहीं कि क्या है मतलब इतिहास ये स्टेप से। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि सबको एक सूत में ला के रखना, और क्या नाम कहते हैं क्योंकि जो हमारे जो इनके लेखों के आधार पर है, जो धामदेव जो राजा बने थे वो 47वें राजा बने हैं कतरी वंश के। लेकिन मैं आप लोगों को धामदेव से भी पहले ले आऊँगा कतरी में, ठीक है, इस बाग में, क्योंकि रानी बाग को जो बसाने का श्रेय जाता है वो माता जियारी रानी को नहीं जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे यहाँ पर किस उल्लेख के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इतना मतमतांतर रखा हुआ है कि मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा सारी चीज़ें कि हमारे जो इतिहास को किस तरीके से कतरियों का वो करा गया। दोस्तों वो कमी और किसी की नहीं है, दरअसल वो कमी है दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं कि जिस टाइम पर ये इतिहास लिख रहे थे ना दोस्तों, जिस टाइम पर हमारे जो लेखककार जो इतिहास लिख रहे थे, तो इन लोगों ने क्या करा, अपनी अपनी विद्या को संभाल के रख दिया। जैसे जिस किसी के पास थी ना, जैसे कोई विद्या वगैरह हमारे गुरुओं को जागर वगैरह पद्धति किताब जो मिली थी, तो इनने क्या करा विद्या को लुप्त रखा, विद्या को लुप्त रखा, तो ये जागर गायन में अपना करते थे। उसके बाद इनने इतिहास को इनको लेखककारों को नहीं बताया। जैसे उस टाइम पर दोस्तों अब ऐसे कोई सुविधा भी नहीं हुआ करती थी कि यार किसी के पास जाके और तुम इतना जाके, क्योंकि आदमी जो लेखककार थे ना दोस्तों, उनकी मेहनत देखो उस टाइम पर, ये पैदल ही जाया करते थे उनके पास, पैदल जाते थे और उनका लिखते थे और उनके मुँह से सुनते थे। और आज के टाइम पर उस टाइम पर की बात बहुत अलग है, आदमी एक दिन में अपना काम धंधा छोड़ के कितना जाएगा ये बताओ, ज़्यादा ज़्यादा 10 किलोमीटर चल देगा पैदल, 20 किलोमीटर, और उसके बाद दोस्तों एक दिन से अल्मोड़ा जाने में दोस्तों नहीं लगता था। अगर रामनगर से या हल्द्वानी से अगर अल्मोड़ा जाओगे तो 2 या 3 दिन लग जाते थे उस टाइम पर, उस युग की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं वो धन्य करता हूँ बद्रीदत्त पांडे जी को, जो लगातार इतना हमारे उत्तराखंड इतिहास को लिखने के लिए उनने वो करी। मैं उनका लिखे हुए लेख को गलत नहीं बता रहा हूँ, और जो ये किताब हमारी जो पुस्तक छपी हुई है चित्रेश्वर महादेव, मैं इसको भी गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतिहासकारों ने जैसा बताया और जो ये लोगों ने ये जनश्रुतियों के आधार पर ही, उस टाइम पर के जन जो जनमानस थी उनके आधार पर ही ये किताब को छापा गया है। कोई उनने अपने मन से और ऐसे उल्लेख इसमें बोला गया है कि हमें जो लोगों ने बताया, तो मैं इसी किताब के हिसाब से रखता हूँ आप लोगों के सामने चित्रेश्वर महादेव। चित्रेश्वर महादेव के इसमें क्या बोला गया है, धामदेव को माता जिया का पति बताया गया है इस किताब के अनुसार, और ब्रह्मदेव को इनका पुत्र बताया गया है, जो ब्रह्मदेव थे माता जिया का पुत्र बताया गया है, ये किताब के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और बाकी और किताबों के अनुसार भी मतलब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही लेख वगैरह अंतर वगैरह ऐसे वगैरह मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं इसी का आप लोगों का विवरण करूंगा, उसके बाद जो कहानी हकीकत की है मैं वो भी रखूंगा, जो इधर उधर से मैंने गुरुओं के मुंह से सुनी है विद्या, तो मैं वो विद्या को भी रखूंगा। तो कोई लेखक भी किस आधार पर कोई पिक्चर बनाए, जैसे अगर मैं बढ़ाना चाहूं कि यार हाँ मैं ये कहानी को आगे बढ़ा के या ऐसे कर दूं, तो कोई नहीं कर सकता है कि किस में कुछ बताया गया है और लेखकों द्वारा कुछ और मिलता है और इलाके कुछ और मिलता है। तो इसीलिए मेरा एक छोटे से इस चैनल के माध्यम से प्रयास है कि आप लोग को अगर किसी के बारे में सटीक जानकारी या कोई अपने गांव के या तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह कुछ ऐसे हैं जो सटीक जानकारी, आप देखो पूछेगा वही जो जानकार होगा, जैसे आप मुझे बता सकते हैं अपने गांव के बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, तो हम इतिहास को एक पटरी पर ला के और वो सत्य घटनाओं को उजागर करेंगे लोगों के पास, जैसे मैंने अभी तक इतनी घटनाएँ करी है। कहानी आप लोगों के पास ला रहा हूँ ना दोस्तों, ये आप देखना दोस्तों, मैं गुरुओं की भी डाल रहा हूँ ना वाइड में, क्योंकि एक चीज़ को सब गुरु बोल रहे हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी गलत लग रही है ना, आप ये लेख को छोड़ देना, उत्तराखंड का जो इतिहास है लिखा हुआ इसको आप छोड़ देना, और ये तुम्हारे गांव में तुम्हारे घरों में जो गुरु जागर लगाने आते हैं आप उनसे पूछना, ये जो मैंने कहानी बता रखी है आपको ये सटीक पूरी एक लाइन से यही आएगी। हाँ इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा 19-20 मिलेगा, 19-20 ही मिलेगा बस आपको, पूरा इतना गैप नहीं मिलेगा जैसे धामदेव उनके पति थे, इतना गैप आपको नहीं मिलेगा कहीं भी कहानी में जो मैंने आप लोगों को बताई है। आप इसलिए मैंने ये उत्तराखंड के याले जो लिखित इतिहास को इसको छोड़ा है, और जो मैं गुरुओं की विद्याओं के अनुसार आगे आया हूँ, क्योंकि
लेखकों ने क्या करा गुरु, लेखकों ने जो करा हुआ है वो ये यही से उठाया है, गुरुओं की विद्या से, गुरु की विद्या से ही उठाया है लेखकों ने। तो इसलिए हम इन गुरुओं को गलत नहीं बता सकते, जो इनकी विद्या है और ये सारी चीज़ है ये हम इनको गलत नहीं बता सकते। और प्रमाण पर कसौती पर खड़ी उतरती है, क्योंकि आज भी जब किसी को भूत को या किसी को किसी जागर को या किसी को हम बुलाते हैं तो वो उसी में आएगा ना। जैसा मैंने जो वहाँ के अखोला के रणभूतों का जो आपको कहानी बताई थी सुन लेना, तो जब उसमें जागर लगती तो वहीं के भूतों की कहाता बताई जाती है। तो वही जब हमारे यहाँ ये पुस्तानी लोग कथा लगाते हैं तभी जो हमारे जो देवी देवता हैं वो नाचने आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सभी से कि मेरे साथ इस अभियान में सभी लोग जुड़ेंगे, और माता जिया रानी की अगर कोई ऐसी खबर और ऐसी कोई घटना मिलती है जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र की झांसी की रानी बुलाया जाता है जिस जिनके आधार पर माता रानी को, तो अगर उनकी कोई ऐसी सत्य घटना और ऐसी कोई आज भी न्याय करते हुए माता जिस घर में जिया माता खेलती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका ऋणी और आभारी रहूँगा कि आपने हमारे इतिहास को उजागर करने के लिए एक पहल में एक भागीदारी निभाई है। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्या दिया है उल्लेख, इंद्रपाल एक राजा थे बहुत पहले। इंद्रपाल राजा की पत्नी का नाम क्या था, पद्मनी। पद्मनी जी ने क्या कराया, यहाँ पर एक बाग लगाया और वो बाग फूला फला, फूला फलने के बाद यहाँ का नाम क्या रख दिया, रानी बाग। तो रानी पद्मनी के नाम पर क्या पड़ा, यहां का नाम रानी बाग पड़ा गया है दोस्तों, ना कि जिया माता की जी के नाम पर पड़ा गया। पहले से ही यहां का नाम रानी बाग और चित्रेश्वर महादेव था। उसके बाद क्या हुआ, समय का अभाव बदलता रहा और रानी पद्मनी जो थी कत्यूरी वंश के राजा की ही पत्नी थी, इंद्रपाल जो थे कत्यूरी वंश के ही बुलाए जाते थे, तो ये हिसाब से बोला गया। अब एक इसी बुक में लिखा गया है कि धर्म की रक्षा हेतु चंद्रवंशियों की पत्नी क्या कर रही थी, एक गुफा में तपस्या कर रही थी और उसी गुफा में उन्हें तपस्या करते करते क्या ले ली थी, समाधि। तो ये वही गुफा है जहाँ जिया माता की पूजा होती है बोला जाता है। अब जागर पद्धतियों में उल्लेख में क्या है, जो गुफा है गुरु कासाम्बरी ने एक वो मारा फड़वे का फ्लैग मारा तो यहाँ पर गुफा बना के जिया माता को यहाँ लुकाया था। अब इसमें उल्लेख मिलता है इस किताब में, वो गुफा पहले से ही है वहाँ पर जिया माता की, और जिया माता की गुफा पहले से ही थी वहाँ पर, जिया माता ने शरण ली थी और वहाँ पर चंद्रवंशियों की पत्नी क्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी। ये इसमें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लेना दोस्तों, इसमें किताब में मैंने आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं मैं अपने मन से या मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, आप चित्रेश्वर महादेव की कथा। उसके बाद हम आए थे कहाँ, मार्कंडेय ऋषि जी पर। जब स्कंद पुराण वगैरह से यहाँ से संबंध मिलता, उल्लेख मिलता है, तो मार्कंडेय ऋषि जी क्या, मार्कंडेय ऋषि जी को क्या था, यहाँ वो तपस्या तप करा करते थे। उनने यहाँ पर एक कुंड भी बनाया था, तो वो कुंड में पानी भरता था, तो वो कुंड से ही बोला जाता है, उस कुंड का नाम सूरज कुंड भी बोला जाता था उस टाइम पर। तो मार्कंडेय ऋषि जी यहाँ पर स्नान करके और अपनी तपस्या वगैरह में बैठा करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको स्वप्न में दर्शन हुए। ये हमारे मामा जी हैं, रूम पे ही रहते हैं हम, और काफ़ी दोस्तों इसमें काफ़ी अध्ययन वगैरह करना पड़ता है हम लोगों को। तो मामा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो चित्रशिला के बारे में, जरा हमारे मामा जी ने भी देखो हमारे साथ में दोस्तों, हम जब काफ़ी चीज़ों में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों तक लेके आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे मामा जी दो शब्द आपको चित्रशिला के बारे में, मामा जी से चाहूँगा, बोलो मामा जी। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है चित्रशिला के बारे में, चित्रशिला जिया रानी माता के स्थान बताते हैं। चित्रशिला में नदी के किनारे एक विभिन्न रंगों का पत्थर है। किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु के अंश समाये हुए हैं। सुतप ब्रह्मा ने 36 वर्षों तक वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या की थी।
और उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो वरदान मांगा वो उनको दिया। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर एक पत्थर का चट्टान का निर्माण किया जिसमें विभिन्न रंगों के आभूषण रत्न जड़े गए जिसका नाम चित्रशिला पत्थर रखा गया। यह वही चित्रशिला पत्थर है जिसे हम जिया रानी कहते हैं कि यहाँ जिया रानी के घाघरे की छाप है उस पत्थर पर। तो मैं चाहूँगा हमारे मामा जी ने माता जिया रानी के ऊपर ये भजन भी बनाया है, जो दोस्तों हैं मेरे उनको ज़रा गाना सुनाओ जो माता जिया रानी। दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ तो माता जिया के बारे में पता नहीं है, पर जितना भी पता है मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना कर सुनाना चाहूँगा। जिया माता छे तू महान, जिया माता छे तू महान, तेरी छु महिमा परम्पार। जिया माता छे तू महान, तेरी छु महिमा परम्पार। तुमले कर दियो रानी बाग उजागर, तुमले कर दियो रानी बाग उजागर। आज ले लागी छुआ तुमरे नाम की जागर, जय हो। आज ले लागी छुआ तुमरे नाम की जागर। बोलो जिया माता रानी की जय। जय हो सदा जय। जो कुछ भी मतलब अभी मामा जी ने बताया और मैं भी जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्या नाम कहते हैं हम अपने मन से बता रहे हैं और करके, दोस्तों ये किताबों से पढ़कर और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जागर पद्धतियों के हिसाब से बता रहा हूँ कि जागर पद्धतियों के हिसाब से ऐसा ऐसा हो। और चित्रेश्वर महादेव जाके माता जिया कहती है बिगर बाप का पुत्र लेके आऊँगी, सूरज कुंड में डुबकी मार के आऊँगी, तो मैं वो गुरु की जागर धामदेव जी की जागर इसमें डाल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें जो अपने इतिहास को उजागर कर रहा हूँ और जो ये कथाएँ बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सत्य घटना से आधारित है। क्योंकि आज भी हमारी जागर पद्धतियों में उन आत्माओं को बुलाया जाता है जो आत्माएँ उस वक्त थीं, और यह आत्माएँ आकर आज भी जब नाचती हैं माता जिया वगैरह जब नाचती हैं तो वही उनको बोला जाता है कि जिस आधार पर जो हमारी जो जागरण पद्धति पर उसी पर इनको रोक के बोला जाता है कि नाचते हैं तो धामदेव जिया माता को माता ही बोलते हैं, उसमें जय जिया जय गुरु बोलते हैं। तो यह कथनों के आधार पर और जो हमारे भूतांगी देवता हैं इनके आधार पर यही सिद्ध होता है कि माता जिया क्या थी, इनकी माता थी, और जो बाकी सब देवता लोग थे वो सब माता जिया रानी के सब भीड़ थे। किस तरीके से धामदेव राजा बंदी बनते हैं और कैसे वो करते हैं, किस तरीके से उनको छुटाया जाता है, किस तरीके से कहानी में बिच्छू देवता का आगमन होता है और कब सारे कतुरी लाचार हो जाते हैं सब, तो वहाँ पर से मैं बताऊँगा कि कब बिच्छू देवता का आगमन कतुरी वंश में होता है। तो मैं गुरुओं के मुँह से आप लोगों को जागर सुनाता हूँ, तो धामदेव जी के पैदा होने तक की, उसके बाद मैं उस जागर को काट दूंगा क्योंकि वो जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा तो वहाँ से मैं वो कहानी डालूंगा। जरा मैं जी वो जी थे साथ में पटारा जी साथ में पटारू ने आए और डोली उठा है या साथ में पटारू ने डोली उठाई बड़ू जूस दे पाला हो मेरा लगन सुझाओ आए गया अली गुरु।
तुमने बजाए वो सात सागर सात सागर नौ पे सारो बजाओ बाबा मरलू आजा मैं दा जानू मेरा गुरु आया ये गोली चतरा सिलाई वहाँ गुप्त महादेव रही वहाँ पर मैं जानू पुत्रा को बराया बिना बाँस का डाला जानू बिना स्वामी का पुत्र जानू बिना धन का खाजा जानू बाबा मरने की राजा रात बढ़िया रुले आई आई उनने डोली उठा है जाए पिछड़ा शिनबन थी साध भय पटार से आए बारबिशी नगल कोटी बारबिशी पिथल कोटी सात भय सोन से आए तेरा डोलिया का हार सता वंची नग से गोली चतरा शिला गोली चतर शिला उतरणी को चार संक्रांति को व्रत विराट फेरा है जी महादेव की धूनी रम है जा दहेटो मेरा कचूरो जोलो सूरी जा कुंडे माजा सूरीदा कुंडा माजा नहीं लाख कचूर सूरीदा कुंडा मजा है रे जैया जय गुरु जैया जय गुरु हरे बाबा मरू वाला गंगा ले हलका मारी सूर्यदाले तपक गंगा हरे सूर्यदा तपको दुला राजा धाम दो गर्भ ध्यान है वो सत करो जियाले सतो जिया दूध का दुला शाही थे तीन नाम एक का है वो राजा दुला शाही तू गर्भ ध्यान है कैसे सत वी जाए तू फूलू पड़ी जैसा जंगनाइए आया तीसरा आंगा नायो चुले बदन को बसर सुकोना डाई है जाए आज ले घगरे साफ है बाबा मरनू आ जा जिया घाघर भेटनी जिया ढूंग अंतला घाटू मजा है सोला लाखा देता ओ निशांगो आई ये जिया लूठा पड़ी जैसा आके धना करनो आई मार दे कटारो जिया गाली गुफा खोजी दे निशांगो वाले कटार मारी जिया गाली जी गुफा खोज दे आजू तुम लाया गुफा में लुका है लिए उनरा धमेलाया बिहार रही घुस वारसानी पारसानी जिया को धमेल खेचे गैला गुफा में बिहार खेचे जाती तू लूठा पड़ी जैसे गोली घाट बड़ी जा तू लूठा पड़ी जैसे या गोली घाट पर लूठा पड़ गई स्वतंत्र जिया पचिन भय गया अली गुरु को मुंगना है वो साध भय पटारू को मुंगना निशांगू महर को मुंगना है वो निशान का कागड़ प्रतवा काग तली हटी मुंगनान को प्रधान सा सरदार गुरु आमिल का थल में भटाई हली गुरु आमिल का घर में धरो कहा स्वतंत्र जी जिया गणी जिया गुरे बार वर्ष को वैध करार हो को कचूर अंश कचूर वंश हलो जब मुगना साधन आल अला अला कोठड़ा में बंद है जी सतन जी जिया गणी साड़ी बुनने नौकरी दी है जिया का कमरा में सुंगरे गो सुंगरे लादू साई नहीं है आजाद रे जो लिया तो गुरु को पूछा जगदरी गुरु को पूछा थे ये सुंगर मारण जो है पावन जो है ये स्त्री बुंद सा घबड़ जाल कबीर कहाँ सजा जे है रे सुंगर कहाँ सहती लियो कुरी गया ली गुरु
कदन लेन हजुल खैरा रणजुला हाट नाका बाका भैल विश्वा कार्य कण भैराड दुल अटबली भैराड भैरुआ छेबड़ा की पूजा दुलो यशुंगर उदिन काम लागल बारह बरस का चार दिन रह गई अब के धन करनो के रजवानो गयाली गुरु को रो मुगलाने रह गई अब आप कैसे जानो मुगलाने बैठी तो थोड़ा बहुत शिकिले तो नहीं होए गयाली गुरु ने ढोला सागर की विद्या फोके मुइला जा करी मुइलों ने बार बार से की नींद पड़ गए आया गुरु ने मंदिर को ढोल बजाया गुरु का पैसार गणी गुरु की पैसार गण सुन रही ब्रह्मदेव का साथ चल लड़ी कुंवर धड़ी कुंवर सखी सगराम छली बादल हौसा गुरु का होशिया कुंवर बिना ठुन को हथिया कुर गुरु हंसा कुंवर आता भय कुंवर आए उठाता भय कुंवर तुमने लगाया धरती को कान आए साध भय कठे दामा कठे बामा कठे भीमा पामा रुद्री हमातली पसत्यारी कठे काठ न्योड़ो कठे दनी न्योड़ो कटार मरी खेमसारी हाट भय साध भय कठे दे गई आय साध भय कुंवर आएगी नाका बाका भैल विश्वा कारगी आएगी कारगी राता घोड़ा में घसे कन्याली कढ़ाल दो मुखी सापू गुस्सा हमारे गुरु की पैसार कहाँ सुनी रे आली आली का साली साली का कदू रहेगी गाँव देगा सात रोता नहीं आंवला बाँवला गढ़ सांवला सिंह छे जय सिंह छे सिंह धावनी का पाठ सिंह धावन है गई नौला कदूर जमेगी खैरा रणजुला हाट में धरती को कान लगायो पहली लागो मेरा गुरु आए आए और सजोई शिमलाई सजोई शिमल की नहलाई तुमले फानो कनेला बांसा कनला बांस फाने सजोई शिमल की नायो कनला बांस फाने आबा नौला का कजूरा नहीं तली मुगलाई तली मुगलाण में जिया बंदी पड़े साई बाई लोटा पराल का से तुमने बाई लोटा पराल का आग दी है परा थोपड़ा पर आग दी है सारी मुगलान बुझाई है ये ओषता उनकी भेटनी भेट है से हो गया ली गुरु भेटनी भेट है से जुजा पहला है ये बाबा मरने वाला सात भय पटार भेट ली मार निशाऊ भेट निशाऊ आबा जोलो मेरा बाबा खैरा रे रणचला हाटा या खैला रणचला हाट बाटो ले गई मुलान शादी की आप तली हटी मुलान शादी जैसा खैरा रणचला हाट नहीं की मेरा तो निगलाट कर राधा धाम देव पैदा गोश सुंदी जियाले गुछन लगायो भुमाई धारम मंत्र पे निगलाट हो गोस वो निंगलाट कर राजा धाम देव पैदा गोता रणतुला हाट नहीं रणतुला हाट में घुना को रिठो फोजी को सात खवा में घुना को रिठो बिछे राजा धाम देव धरिया बीच खवा में या सिंह साधु सिंहराई का पाठ यो शिव अन्य मरुन आपको हो रही मेरा प्रभो नौला खजरो सैनिक हो रही ऐसी नहीं मरुन और राजा आप कथन करनो किरत बाद नो ये कहने सामने भगवान की प्रार्थना करी गुरु ग्याली महरुआ उसके साथ में थे इनका मुझे लिया मायापुरी चतरशील में ले गए वहाँ चतरशिला में नहीं गई सुद का पाया गाय का ब्रह्मण बिद्र ब्रह्मा को बेच क्षेत्र को खानो जाकर जो मुख जी अब उसने भगवान से वरदान मांगा और राजा सौदे जी पैदा हुआ राजा स्वामी जी पैदा हो गया तो वही जो जेठान सी सौत सी जो उसने उसको दूषण दे दिया राजा सतो जी को इनको अकेले असली अपने बाबू चला रहे
जिया रानी बंद कर दी मायापुरी चतरसिंह में, सात भैंसियों और उन्होंने उसको बंद तो नहीं कर, इनको जब जब मायापुरी चतरसिंह में गई थी ना अपने बच्चे को पैदा करने के लिए, पैदा करने के लिए गई थी तो उसका एक बाल निकल गई, कोई मनोम में बाव निकल गई, सात बार मार मैं और ये पठान थे, उन्हें घोड़ा खुटल जी गई, इनको अपना घोड़ किलर को गंगा में, हाँ वो गोला नदी में, हाँ गोला नदी हो, हाँ तो वो उनको मैं घोड़ा खुट, उसने देखा तो बाल थे, बालों खुड़ अलझी गई, सीधा ऊपर को चले गया अहमद को ओभा चेहरा, तो जिया रानी गुरु ग्याली मेरुआ मेरुआ ने मारा खटरा पहाड़ पर, पहाड़ पर जिया रानी वहाँ डाल दी, धमेलू बिहार रह गई, धमेल रह गई बिहार है, उन्होंने धमेला खाया निकाल कर ला दी, अब क्या करता, फिर वो ले गए फिर आंसू हो रहा अंचल हो रहा था, और अब उन्होंने कहा फिर बामणा हताविल सोने की अंगूठी दे दी जिया ने, जिया रानी ने, इनको नहीं असर को 12 साल तक, हेलो हाँ संजय बेटा तुम्हारी लड़की रहेगी 12 साल के बाद तुम्हारी औरत बनेगी, अच्छा भी लड़का बन जाएगा, 12 साल तक तुम्हारी ये लड़की रहेगी, 12 साल के बाद तुम्हारी औरत बनेगी, जिया रानी ने कहा ना उनसे, फिर उसके 12 साल तक तो सात भाई मेहरू उन पर टैच नहीं कर, फिर उसने जमा में सोचा सोचा और एक तो जो ट्रेलर नहीं है ना, हाँ इतना ला देना है बेटा ट्रेलर नहीं, इनको मेरे लिए ऐसा कर ऐसा कर, हाँ साड़ी बना दे, नला कचरू की छाप भी रख इसमें, नला कचरू छाप ले धरे सब कुछ करें, जब वो साड़ी जिया रानी का जो जाम सी वही शैंड मान में रहे भान, इनको चील में है साल कभ नहीं बनाई, चील में है साल कभ नहीं बनाई, ये कह नहीं जाम इनको बाप साल मंगा दे, उसकी बीवी ने पंजाब में भान मान समझ वही टुकुर सिर एक टुकुर सिर उन्हीं तरह वाला फायदे तो तह स्वर पाल तो स्वर सी सोन न खा दिया, तो सोन न खा दिया, सोन न उन पेट में ना, फिर जिया रानी का भी सफल हो गया, तो सोर भरा तब भी नहीं, तो नला कचूर सोर खा दी नु सोर खा तो नला कचूर तो सोर दे भाई के ना भरा खाने सोर भरा ऐसे खासी ने, क्योंकि उसने वो उस सोरों ने वो खाली टुकड़ खा दी, साड़ी का टुकड़ खा दिया, बजरमुखी डरा हो, हाँ बजरमुखी न्याय खाओ ढिबोरा भी नहीं आया, हो खाओ ढिबोरला बरात के नहीं आई किंग रहा सर, और तुमको बरात सही बात साल दे जाएगी जिसकी क्यों हुई सतोजी धामदेव और दुलासाई, तो तीन नाम धामदेव के बोले जाते हैं, तीन नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, तीन नाम एक एक हैं ऐसे बोलते हैं जगह, ठीक है, तो मैं वो भी आप लोगों को दोस्तों जो यहाँ हल्द्वानी का जो ऊपर से काठ गोदाम है इसका नाम काठ गोदाम कैसे पड़ गया दोस्तों, क्योंकि ये गोला में जो लकड़ियाँ आती थी यहाँ पर बह बह के ऊपर से बड़े गिल्टे वगैरह आते थे, तो यहाँ पर जाम लग जाता था गोला में, क्योंकि यहाँ पर से एक छोटा ही आधार है निकलने का पानी, तो आज ये प्रसिद्ध शहर है तो काठ गोदाम यहाँ बोला जाता है, और दोस्तों वाक्य में जस नाम तसव गुण तसव हो जाता है दोस्तों, आज भी यहाँ चीज़ें यहाँ इकट्ठा ही होती है, क्योंकि स्टेशन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर गोदाम ही बन गया है जब से,
तो सारी चीज़ें वस्तु वगैरह यहाँ पर गोदाम के माध्यम से रखे। मैंने अपनी तरह से पूरे प्रयास करा है कि आप लोगों को धामदेव जी का पूरा पूरे हिस्ट्री मैंने रख दी है। और इससे पहले जैसे आप लोग ठीक है, अगर जिस किसी ने मेरे से हिंदी में सुनना है तो वो कहानी में दूसरा मेरा वीडियो है जिसमें मैंने धामदेव जी का देखा, तो आप उसमें जाके देख लेना। वहाँ तक भी मैंने कहानी को आधा ले गया रखा हूँ। फिर मैं आपको बिच्छू देवता का आगमन कैसे हो गया युद्ध क्षेत्र में, तो मैं आपको वो बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को कहानी दी है, यह कहानी सत्यता की कठौती पर है और गुरुओं के लेखों के आधार पर, और मैंने मेहनत करने के बाद यह सारी चीज़ें बटोरी हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी हैं? यदि आप लोगों को लगता है थोड़ी भी कि यार हाँ, हमारे इतिहास को उजागर करने का सभी जितने भी मेरे कतुरी वंश भाई लोग हैं, अगर उन्हें लगे कि यार हाँ यार हमारे इतिहास को एकत्रित करके एक अहमद जागर पद्धतियों के जाके बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगे कि यार हाँ कि बहुत अच्छी जानकारी है, तो मेरे चैनल को आप दोस्तों यही वीडियो देख के नहीं, अगर और मेरे वीडियो भी देख लेना, पहले 2-3 वीडियो मेरे और देख लेना, कि मैंने सभी के बारे में बताया है, कि लगे कि हाँ यार आपको उत्तराखंड की सारी चीज़ों का अच्छे से भाई ने बताया है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। सबसे पहले हम अगर किसी के ऋणी हैं तो अपनी मातृभूमि के ऋणी हैं उत्तराखंड के। वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है जो मातृभूमि का कर ना उतारे जाए। ये हमारे लेखकों ने भी बोला हुआ है कि सबसे पहले अगर हम किसी के ऋणी रहते हैं तो मातृभूमि के, और वही मातृभूमि में जो हमारे वीर तपस्वी राजा और मुनि ये सब प्रकट हुए हैं, तो मैं उन लोगों की कहानी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि यार वाकई में एक अच्छा कार्य है, तो मेरे चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक हर उत्तराखंड के जो हमारे जो नए तत्काल जो डंगरिया आ रहे हैं, जो नाच रहे हैं नई नई पीढ़ी में, चाहे वो कतुरी वंश के हो, चाहे हरजूकरू के हो, और दोस्तों और भी चाहे कोई केल हो, चाहे गगनाथ जी की हो, चाहे कलविष्ट जी की हो, तो दोस्तों कोई भी केल में अगर जैसे नाचते हैं तो आप मेरा वीडियो वहाँ शेयर कर सकते हैं। और मेरे साथ दोस्तों सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हरजूकरू के हो, चाहे कतुरीकरू के हो, चाहे दोस्तों चाहे कोई किसी को मानता है, तो मैं उन सब का दोस्तों मैं सदैव आभारी हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहानी आप लोगों के तक बीच तक लेकर आ रहा हूँ। यदि मुझसे कहानी में कहीं पर टूटी या कहीं पर भी कुछ कमी रह गई होगी, तो दोस्तों यदि आप लोगों के पास कोई सटीक कहानी या कुछ ऐसा है माता जिया रानी के बारे में और कतुरी वंशों के बारे में, तो उसे छुपाने का प्रयास कतई ना करें, वो कहानी आप मुझ तक पहुँचाओ। और दोस्तों मैं वो अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि आज की डेट में हमारे जो कतुरी वंशों का दोस्तों आप देख ही रहो कि जो पीढ़ियाँ हैं वो लुप्त तो होते जा रही हैं, और जिनके घर में देवते हैं भी, तो वो दोस्तों से पहले जो अपने कुल का और जो अपने धर्म का नहीं हो सका, वो दोस्तों फिर किसी का नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हमारे घर के चाहे कोई भी इतर पितर कोई भी हैं, तो दोस्तों हमें सबसे पहले उनका आदर सम्मान, और उसके बाद दोस्तों हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो मेरे दर्शकों ने मुझसे सवाल पूछे मैं उसमें आता हूँ। योगेश हमारे जो योगेश जी हैं, उनने जय हो जिया माता रानी की बोला है, और हमारे जो सब्सक्राइबर है संतोष जी, उनने भी मुझे जय हो जिया माता रानी की जी बोला है, और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रेम आर्या जी, उनने बोला कि गगनाथ देवता जी न्याय के देवता कैसे बने, प्लीज़ हमें बताने की कृपा करो। मैंने एक वीडियो बनाया है गगनाथ जी के ऊपर, और उसमें पूरा न्याय के कैसे देवता बने क्या बने मैंने उसमें पूरा दे रखा है, और उसके बाद भी अगर देखो संतुष्ट नहीं है तो मैं फिर दोबारा आप लोगों को गगनाथ जी की वीडियो बनाऊँगा और फिर से उनको उजागर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से सब आप लोग संतुष्ट होंगे, और मैंने जो ये कहानी जो इसमें बताया है चित्रेश्वर महादेव का पहले का इतिहास भी बता दिया है कि